नमो नमः विद्यार्थीगण, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 के लिए एक नई संस्कृत स्टोरी लेके। बहुत अच्छी स्टोरी है, हिस्टोरिकल स्टोरी है भीम और हनुमान जी की। तो जो इंसिडेंट उनके साथ होता है, दोनों का मिलन जो होता है किस तरह से, तो एक महाभारत का एक पार्ट यहाँ पर लिया गया है जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको बता दूं कि भीम और जो हनुमान जी थे वो पवन पुत्र ही थे, क्योंकि कुंती को जो पांचों पांडव हुए थे वो देवताओं के वरदान से हुए थे। ठीक है, तो भीम भी पवन देवता का ही प्रसाद थे, उन्हीं की मंत्र का उन्होंने जाप किया था कुंती माता ने, और वही पवन पुत्र कहलाते थे। और अंजनी पुत्र हनुमान भी पवन पुत्र कहलाते हैं, तो दोनों में बल एक ही जैसा था। स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर रही हूँ। एकदा पांडवाः वनवास निबंधिताः आसन। एक दिन जो पांडव थे वो वनवास में, मतलब वो वनवास भुगत रहे थे, मतलब कि उनको जो वनवास मिला था 12 साल का, वह मतलब उस टाइम से गुजर रहे थे। ते रमणीयेषु काननेषु निवासम अकुर्वन। रमणीयेषु एकदम ब्यूटीफुल जो फॉरेस्ट रहते हैं, काननेषु यानी फॉरेस्ट, उसमें वहाँ वो रहते थे, अलग अलग जगह वहाँ घूमते थे, और वहाँ पे फिर वो झुपड़ी बोलते हैं ना, झोपड़ी जो होती है वो बांध के वो रहते थे। एकदा द्रौपदी वायुना आनीतम सुंदरम पुष्पम एकम अपश्यत। एक दिन द्रौपदी, एक बहुत अच्छी सी तेज़ हवा चल रही थी, उसमें एक पुष्प जो है फ्लावर वो उड़ के उसके पास आके गिरा, तो उन्होंने उसको, उस फ्लावर को उन्होंने देखा। पांडवों को वनवास हुआ था तो वो लोग अलग अलग जंगलों की जगहों में घूमते थे, बहुत अच्छे अच्छे जंगल थे वहाँ पे, बहुत अच्छे पेड़ पौधे फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें एकदम नेचुरल चीज़ें वहाँ पे थी। और उनको वनवास प्राप्त हुआ था क्योंकि वो जुए में हार गए थे, उनका राज्य सब कुछ, राजपाट सब कुछ। तो 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास। तो द्रौपदी एक दिन क्या करते हैं, जैसे वो वहाँ पे फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि एक फ्लावर उड़ते हुए वहाँ पे उनके पास आके गिरा। तस्य पुष्पस्य गंधम आग्राय अहमुयत। तो उसकी जो फ्लावर की जो स्मेल थी, फ्रेग्रेंस, वो उन्होंने उनको मोहित कर दिया, उनको इतना पसंद आ गया कि उनके मन को वो मतलब मोहित कर लिया। ततः सा द्रौपदी पतिम भीमसेनम अवदत। तो उन्होंने अपने पति जो है भीम, उनको कहा कि एतादृशानी रमणीयानी पुष्पाणि बहूनि मह्यम आनयतु इति। ऐसे जो एकदम ब्यूटीफुल फ्लावर्स है वो आप मेरे लिए कहीं से भी ला दीजिए, मतलब जंगल में जाके आप मुझे ऐसे फ्लावर ला के दे दीजिए। द्रौपदी वॉज मेस्मराइज्ड बाय स्मेलिंग द फ्लावर। द्रौपदी वेंट टू भीमा एंड सेड, ब्रिंग मी मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक दिस फ्रॉम द फॉरेस्ट। यानी आप जंगल में जाओ और मेरे लिए ऐसे ही फ्लावर्स लेके आइए। इतनी मोहित हो गई थी, मतलब उसको इतने पसंद आ गए थे वो फ्लावर्स, तो वो क्या कहती है कि उसकी फ्रेग्रेंस इतनी ब्यूटीफुल थी, तो अपने पति भीम के पास वहाँ जाती और उनको कहती है कि मुझे जंगल में जाके ऐसे ही फ्लावर्स आप ढूंढ के ला के दो, क्योंकि वो फ्लावर से आकर्षित हो गई थी, अट्रैक्ट हो गई थी। तो इसके लिए वह क्या करती है, भीम को कहती है कि मुझे ऐसे ही फ्लावर आप जंगल से ला के दो, क्योंकि वो लोग सब जगह अलग अलग जंगलों में घूमते थे और जंगलों में बहुत सारी वनस्पति औषधि होती है, अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं जो हमने कभी देखे भी ना हो। ठीक है, तो उन्होंने अपने पति को कहा भीम से कि आप मुझे ऐसे ही फ्लावर्स लाके दो। भीमसेनः अहम एव लोके बलवान इति गर्व युक्तः। भीम यानी अब भीम को अपने आप को इस लोक में सबसे बलवान वही है, ऐसा उसको अपने आप पे गर्व था। सह द्रौपदी पुष्पाणि आनेतुम उत्साहेन प्रातिष्ठ। तो वह द्रौपदी के लिए पुष्पाणि यानी फूल लाने के लिए, फ्लावर्स लाने के लिए उत्साह के साथ एकदम बोलते हैं एक्साइटेड था, उसके एक्साइटमेंट के साथ वहीं पे खड़ा हो गया और फिर वो कार्य करने के लिए शुरुआत करता है, फिर वो लेने के लिए वहाँ पे जाता है जंगल में। तो भीम को पता था कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे बलवान मैं ही हूँ, ऐसा उसको अपने आप पे बहुत गर्व था कि ऐसी चीज़ें तो मतलब जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं वो कर सकते थे। ठीक है,
तो उसको अपने आप पे थोड़ा प्राउड था कि मैं ही बलवान हूँ। और तुरंत ही जैसे द्रौपदी ने उसको कहा कि मुझे ऐसे ही फ्लावर्स चाहिए, आप मुझे ऐसे फ्लावर्स आप लाके दो, तो थोड़ा उत्साह में आ गया और थोड़ा प्राउडी भी था, तो उसने क्या किया, वहाँ खड़ा हो गया। फिर वो जैसे द्रौपदी ने बोला वैसा वो करने के लिए फिर जाता है। सह बहुत्र अन्विष्य अन्ते एकस्मिन् उद्याने तानि पुष्पाणि दुरात एकशत। यानी बहुत जगह बहुअत्र अन्विष्य, बहुत जगह वहाँ फिर घूमता है जंगल में, लेकिन ऐसे पुष्प उसको कहीं नहीं मिलते हैं। अन्ते एट लास्ट एकस्मिन् उद्याने, एक गार्डन जैसा था प्लेस, वहाँ पे उसने बहुत सारे पुष्प पुष्पाणि दूरात एक शत, दूर से उसने वहाँ से देख लिए कि यहाँ इस गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स है। ही सर्च इन मैनी प्लेसेस एंड इन द एंड सॉ द फ्लावर्स इन अ गार्डन फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़े ही दूर, मतलब उसने देखा कि वहाँ पे एक गार्डन जैसा था उद्यान, तो वहाँ पे उसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत सारे फ्लावर्स है, ठीक है, तो बहुत जगह घूमता है लेकिन उसको कहीं भी ऐसे फ्लावर्स नहीं मिलते हैं। और फिर लास्ट में उसको वहाँ फ्लावर दूर से दिखाई देते हैं कि घूमते घूमते वो एक ऐसी प्लेस पे आ जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ दूर से कोई ऐसे फ्लावर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसे फ्लावर्स वहाँ पे थे कि शायद यहाँ पे फ्लावर्स मुझे मिल जाए, ठीक है। देन यदा उद्यानम प्राप्तुम सह उद्युक्तः तदा मार्गे शयनाम एकम कपिम अपश्यत तस्य कपेहि ही पुच्छः भीमसेनस्य मार्ग प्रत्य अवरोधयत प्रति अवरोधयत। यानी कि फिर जैसे ही वह उद्यान में, वह जो गार्डन है वहाँ पे उसको मिलता है, तो वहाँ पे वो गार्डन के पास फिर वो पहुँच जाता है, तो उसने देखा उद्युक्तः, यानी वहाँ पे वो पहुँचता है जैसे ही, तो तदा मार्गे शयनम, तो उस मार्ग में उसके रास्ते में एक कपि यानी बंदर जो है वो सोया हुआ होता है। तस्य कपे ही पूछ, उस कपि यानी बंदर की जो पूंछ रहती है वो भीमसेन का मार्ग ब्लॉकिंग कर देती है, मतलब रोक देती है, मतलब उसको आगे जाने के लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि वो आगे जा सके। When he reached the garden, he saw a monkey slipping his path. The monkey's tail was blocking Bhima's way. यानी उसका रास्ता रोक के रखा था, वो जैसे ही उसको गार्डन में फ्लावर्स दूर से दिखाई दिए तो वो वहाँ गार्डन में पहुँच जाता है उद्यान में, लेकिन वहाँ पे जाके वह देखता है कि एक मंकी वहाँ पे सोया हुआ है और उस मंकी की पूंछ इतनी बड़ी है कि उसका रास्ता वह रोक रही है। शायद ये महाभारत जो हमने लॉकडाउन में देखा तो उसमें भी हमने ये चीज़ देखी होगी, ठीक है। फिर गर्वी भीमसेनः तस्य समीपं गत्वा अरे दुष्ट वानर उत्तिष्ठ तवा पुच्छः मार्गम प्रतिरोधयति अहम एतेने मार्गेण गन्तुम इच्छामि इति अवदत। वो क्या होता है, थोड़ा प्राउडी होता है भीम, तो गर्वी भीमसेन यानी प्राउडी जो भीमसेन है वो उसके समीपम यानी उसके नज़दीक जाता है और बोलता है अरे दुष्ट वानर ओ एविल मंकी उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ तब पुच्छः आपकी जो पूंछ है वो मेरा मार्ग प्रति अवरोधयति यानी वह मेरा मार्ग रास्ता रोक रही है अहम एतेन मार्गेण गंतुम इच्छामि इति वदत। यानी मैं इस रास्ते पे जाना चाहता हूँ, मुझे इस रास्ते से जाना है तो यहाँ से आप हट जाओ, ऐसा वह किसको बोलता है, वो कपि जो सोया हुआ है बंदर उसको वह बोलता है। तो भीमा वेंट क्लोज टू इट एंड सेड ओ एविल मंकी योर टेल इज ऑब्स्ट्रक्टिंग माय पाथ आई वॉन्ट टू गो बाय दिस पाथ। यानी कि आप यहाँ से मेरे रास्ते से हट जाओ, आपकी जो पूंछ है वो मेरा रास्ता रोक रही है, ऐसा वहाँ पे जाके थोड़ी और भी चीज़ें बोलता है, ठीक है। तदा सह वानरः अवदत भो अहम अति वृद्धः अत्र वने निवसामि अतः उत्थातुं मम शक्तिः नास्ति अतः त्वमेव मम पुच्छम् अपसार्य गच्छ इति। फिर वहाँ वानर उसको कहता है, वो जाग जाता है, फिर उसको कहता है अवदत भो अरे अहम अति वृद्धः अत्र वने निवसामि यानी मैं अभी बहुत, मतलब यहाँ पे मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं इस मतलब बूढ़ा भी हो चुका और इस जंगल में भी रह रहा हूँ।
तो अतः उत्तातुम मम शक्ति नास्ति, तो इसको उठाने की शक्ति मेरे में नहीं है। अगर आपको जाना है तो आप ही खुद इस टेल को, मेरी जो पूंछ है उसको आप हटा दीजिए, फिर आप अपने रास्ते पे जा सकते हैं। मतलब भीमसेन को जो है मंकी वो आंसर देते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और इस जंगल में रहता हूँ और मेरे में इतनी शक्ति अभी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस पूंछ को उठा सकूं। अगर आपको आगे जाना है तो आप खुद ही इसको हटा के आप आगे जा सकते हैं। देन द मंकी रिप्लाइड, आई एम वेरी ओल्ड एंड आई लिव इन दिस फॉरेस्ट, आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू गेट अप, सो यू कैन मूव माई टेल एंड गो ऑन योर वे। यानी कि आप खुद ही अपनी शक्ति दिखा के इसको हटा दो क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन क्या था, वो हनुमान जी थे, उन्होंने खाली ऐसे बूढ़े कपिल का ऐसा रोल एक्ट प्ले किया था तो भीम को सिखाने के लिए, कि भीम को ऐसा गर्व था, प्राउडी था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बलवान मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तदा अन्य अंतः क्रुद्ध भीमसेन पुच्छम गृहीत्वा एतम वानरहम आकाशे भ्रामयित्वा यमलोकम प्राप्यामि इति उक्त्वा, वानरस्य लंगुलम स्वीकृतम उपयुक्त। यानी फिर भीम को क्या होता है, क्रुद्ध यानी गुस्सा आ जाता है और फिर क्या करता है कि वो उसको ऐसा, मतलब वो सोचता है कि इसकी पूंछ पकड़ के इस वानर को मैं पूरे आकाश में घुमाऊँगा और वह यमलोक को, यहाँ फिर यमलोक को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा वह बोलता है। और फिर क्या करता है कि इसको मैं बोलते ना, इस वानर को तो मैं बड़ा सा घुमा के फेंक दूंगा, नरक में जाके फेंक दूंगा, ठीक है, ऐसा वह सोचता है कि मैं ऐसा उसको घुमाऊंगा ना कि वो वहाँ पे जाके गिरेगा, पृथ्वी पे जाके ही गिरेगा, सीधा वहाँ पे ही चला जाएगा। तो भीमसेन को गुस्सा आ जाता है। देन अ वेरी एंग्री भीमसेना काउच होल्ड ऑफ द टेल विद द आइडिया ऑफ किलिंग द मंकी बाय थ्रोइंग इट स्ट्रेट इनटू द हेल। यानी वो सोच रहा था कि इसकी पूंछ पकड़ के इसको ऐसा घुमाऊँ ना कि पूरे आकाश में उसको घुमाओ और यह यमलोक पहुँच जाए और अच्छे से जाके वहाँ गिरे, ठीक है, तो ऐसा वहाँ सोचते हैं। लेकिन आगे क्या होता है वो देखते हैं। किंतु बहुधा प्रयत्नं कृत्वा अपि सः पुच्छस्य दूरीकरणे पराजित संभवत एतेन भीमस्य गर्वभंगः जातः। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो पूंछ तो उठा ही नहीं सकता था, लेकिन उसने बहुत प्रयत्न किया लेकिन वह पूंछ को, उसकी जो टेल है उसको दूर भी नहीं कर पाया और वह हार जाता है और इससे भीम का जो गर्व है, प्राउड है, वो भी भंग हो जाता है, यानी टूट जाता है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा, भीम को ऐसा था ना कि मैं इस पूंछ को मतलब उठा लूँगा और इसको पूरे आकाश में ऐसे गोल गोल घुमाऊँगा और कहीं दूर यमलोक में इसको फेंकूँगा, ऐसा पछाड़ के उसको फेंकूँगा, ऐसा उसको प्राउड भी था और उसको अपने आप पे भी बहुत प्राउड था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बलवान मैं ही हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई बलवान है ही नहीं, तो मेरे लिए कोई भी वर्क इम्पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी उनके साथ हो जाती थी क्योंकि वो प्राउडी नेचर उनका था तो उसमें काफ़ी सारी वो मिस्टेक कर लेते थे। लेकिन फिर हमने महाभारत में देखा है कि कभी कभी उनका दिमाग भी बहुत अच्छा चलता था, ठीक है, तो उसमें भी फिर वहाँ जीत जाते थे। प्राउड उनका धीरे धीरे फिर उनको समझ में आने लगा था कि जब हनुमान जी से मिले तब उनको रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में और भी लोग हैं जो बलवान है। सह वानरम प्रति कपि श्रेष्ठ महता प्रत्नेन अपि भवतः पुच्छम चालयितुम अपि अहम अशक्तः भवामि। वह वानर को, यानी वो बंदर को कहते हे कपि श्रेष्ठ, वानरों के राजा, मैंने बहुत प्रयत्न, बहुत बड़ा प्रयत्न किया लेकिन आपकी जो पूंछ है वो तो जरा सा भी वहाँ से आगे नहीं जा रही है, अब मैं उसमें कैपेबल नहीं हूँ। भवान न सामान्य कपि इति प्रतिभाति, आप कोई सामान्य मंकी नहीं हो। कृपया वदतु भवान देव वा गंधर्व वा सिद्ध पुरुष वा इति प्रार्थित, आप कृपया करके मुझे बताइए आप देव है कि गंधर्व है या सिद्ध पुरुष यानी कि योगी है, आप मुझे मेहरबानी करके ये चीज़ बताइए, आप कोई सामान्य बंदर नहीं है। He said to the monkey, great monkey, even with great effort, I was powerless to move your tail. It seems to me you are no ordinary monkey. Please pray tell if you are God or a Gandharva or a great Siddha. तो वो उनको रिक्वेस्ट करता है फिर कि आप मुझे कृपया करके बताएं कि आप कौन है। उसको अब रियलाइज़ हो गया था
कि ये कोई सामान्य मंकी नहीं है, उसका गर्व यानी प्राउड भी टूट चुका था, ब्रोकन हो चुका था कि वर्ल्ड में दूसरे भी लोग हैं जो मेरे से भी शक्तिशाली बलवान है, ठीक है। तो अब वो रिक्वेस्ट करता है, उसने बहुत कोशिश की लेकिन एक पूंछ को खाली वहाँ उस जगह से हटा भी नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया कि इसको मूव करके मैं दूसरी जगह रखूँ। तो उसने बहुत कोशिश की, फिर उसको रियलाइज़ हो गया कि ये मंकी कोई सामान्य मंकी नहीं है। फिर उसको रियलाइज़ होता है तो थोड़ा शांत हो जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो ग्रेट मंकी, आप कोई मतलब सामान्य बंदर नहीं हो, आप कृपया करके मुझे बताइए कि आप देव हो, गंधर्व हो या सिद्ध पुरुष हो, ठीक है। सह कपि क्षान्तः उत्तरं प्रायच्छत् भोः अहमेव आञ्जनेय आञ्जनेयः अहमपि वायुपुत्रः इति कारणात् तव भ्राता भवामि। फिर कपि जो है वानर, वो शांत होकर उनको कहते हैं कि उनका उत्तर आंसर देते कि अरे मैं आंजनेय आंजनेय यानी अंजनी का पुत्र, अंजनी कौन थी, हनुमान जी की माता थी इसलिए उनको आंजनेय भी कहा जाता है, तो मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। अहम अपि वायु पुत्र, वायु यानी पवन देव का पुत्र हूँ, यानी इति कारणात् तव भ्राता भव, इसलिए मैं आपका भाई भी हूँ, क्योंकि दोनों क्या थे, पवन के पवन पुत्र थे। समझ में आ रहा है, मैंने पहले ही स्टोरी के पहले बता दिया कि पवन देव के वरदान से ही हनुमान जी भी अंजनी के पुत्र बने थे और कुंती को भी भगवान पवन देव के जो वर्सेस होते श्लोक का उन्होंने आह्वान किया था और उसी का प्रसाद उनको भीम के रूप में मिला था, ठीक है। तो वो दोनों क्या थे, भाई थे। द मंकी आंजनेया कामली रिप्लाइड, आई एम आंजनेया, आई एम द सन ऑफ द विंड एंड दस आई एम योर ब्रदर, ओके। देन तव गर्वभंगं कर्तुम एव मार्गं प्रति अवरोधयम् इति ततः आंजनेय भीमं बहुभिः आशीर्भिः अव अन्वगृहात्। फिर उसका जो मैं आपका ये जो गर्व है उसको मैं तोड़ना चाहता था कि वो जो हमारे रास्ते में आ रहा था तो इसको मैं इस आपके गर्व को मैं भंग करना यानी तोड़ना चाहता था। फिर बाद में आंजनेय यानी हनुमान जी भीम को बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, फिर वहाँ उनको घर भेज देते हैं, फिर मतलब वो वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। तो वहाँ पे उनको रियलाइज़ कराया कि प्राउड बलवान है लेकिन हमारे में स्ट्रेंथ भले है लेकिन हमें अपने आप पे इतना प्राउड नहीं होना चाहिए कि हमारे से भी ज़्यादा कोई बलवान नहीं हो सकता, ठीक है। आई वॉन्टेड टू रिमूव योर प्राइड, That is why I stopped you. Hanuman then gave Bhima a lots of blessing. तो वो उनको realize कराना चाहते थे इसलिए उन्होंने ये थोड़ा ड्रामा रचा था, ठीक है। तो लीला रची थी जैसे हम बोल सकते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को वो चीज़ realize करानी थी कि वर्ल्ड में वो जो समझ रहे थे कि मैं ही बलवान हूँ तो वो उनका गर्व भंग करना चाहते थे। फिर उसके बाद ये होता है कि हनुमान जी को जब वो मिले भीम तो उनको फिर बाद में रियलाइज़ हो जाता है और तब से वो बहुत मतलब कोई भी चीज़ के लिए वो प्राउड फील नहीं करते थे अपने आप पे कि मैं इतना बलवान हूँ। फिर उस स्ट्रेंथ को उन्होंने बहुत अच्छे वे में यूज़ किया। तो मोरल ऑफ द दिस शॉर्ट पार्ट इन महाभारत, तो हमें इनसे ये सीख मिली है कि कभी भी हमें अपने आप पे इतना भी गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारे जैसे भी कंपटीटर होते ही हैं लेकिन हाँ जो चीज़ अप में है, क्वालिटी है, उसको अच्छी जगह सही वे में उसको हमें वो स्ट्रेंथ को हमें सही वे में यूज़ करनी है, उस पर प्राउड हमें नहीं करना है, प्राउड कराना है। प्राउड हमें अपने आप में होना ज़रूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और प्राउड में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर आज सीखी है, तो दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। और प्राउड लोग हम पे करें, हमारे पेरेंट्स हम पे प्राउड फील करें, ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो ये स्टोरी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिली हो है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टोरी और थोड़ी संस्कृत रीडिंग भी हमारी साथ में हो जाती है। जैसी दूसरी स्टोरी में भी लेक्चर में मैं लेके आऊँगी और जो जो नोट्स मैं प्रोवाइड करी तो प्लीज़ आप अपनी संस्कृत की नोटबुक में लिखते जाइएगा और वर्कबुक की एक्सरसाइज भी जो है वो शॉर्ट टाइम में मैं अपलोड करने वाली हूँ। धन्यवाद है।